दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि आज चौथे चरण का चुनाव था। मतदान का वक्त गुजर चुका है और देश भर में कई सारे लोकसभा क्षेत्र में आज चुनाव हुआ। इसमें आज के दिन अगर कोई नाम सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा तो वो है माधवी लता। माधवी लता, आप तमाम लोग नाम सुन चुके होंगे, ये आपको दाएं तरफ हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। असदुद्दीन ओवैसी के ख़िलाफ़ हैदराबाद से चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ओवैसी के गढ़ में माधवी लता को उतारा था, ये सोच करके कि एक महिला कैंडिडेट को उतार रहे हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी को जो है हरा पाएंगी। देखा गया कि लगातार माधवी लता जो है वो मुस्लिम महिलाओं के बीच भी जा रही थी, उन्हें उनसे वोट मांग रही थी, उनसे तरह तरह की बातें कर रही थी, किसी के कान में जाके कह रही थी कि हमने हैदराबाद के लिए 500 करोड़ रुपया रखा हुआ है, यहाँ का विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कभी किसी महिला के पास जा करके कहते थे कि आप लोगों की जो परेशानी है उन तमाम परेशानियों को अब हम हल करेंगे, आप हमें वोट दीजिए, इस तरह की तमाम बातें हो रही थी। लेकिन आज जो कुछ हुआ वो बहुत अलग था और यही वजह है कि आज जम करके माधवी लता चर्चे में रही। सुबह ही सुबह माधवी लता का एक वीडियो सामने आया जिसमें ये देखा गया कि जब महिलाएं मतदान करने के लिए जा रही थी उस दरमियान ये मतदान केंद्र पर पहुंची और माधवी लता मुस्लिम महिलाओं के बुरके को उतरवा रही थी, उनके चेहरे से नकाब को हटवा रही थी, उनके चेहरे से हिजाब को हटवा रही थी और ये देख रही थी कि वो महिला कौन है और जो आईडी कार्ड दिया गया है वो कौन है। जिसके बाद विवाद शुरू हुआ, लोगों ने ये कहा कि ये कैंडिडेट का काम तो नहीं है, ये काम प्रिसाइडिंग ऑफिसर का था, वहाँ पर जो अधिकारी होंगे उनका ये काम है, वो ये काम करते, लेकिन ये काम एक कैंडिडेट क्यों कर रही है। यकीनन इससे कई सारी महिलाओं को परेशानी हुई। परेशानी की वजह ये नहीं थी कि उसके चेहरे को देखा जा रहा था, परेशानी की वजह ये थी कि ये सब कुछ कैमरे के सामने हो रहा था और मुस्लिम महिलाएं हिजाब और नकाब इसलिए करती है ताकि वो दूसरे गैर महरम लोगों से अपने आप को छिपा सके, अपने आप को जो है छिपा करके रख सके, उन्हें कोई गैर महरम ना देखे। लेकिन माधवी लता जब ये कुछ कर रही थी तब उस वक्त लोग मोबाइल से फोटोज़ खींच रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे और इस बात की नाराज़गी तो थी ही, दूसरी नाराज़गी ये कि ये काम माधवी लता कर ही क्यों रही थी। इस पर विवाद शुरू हुआ। इन विवादों के बीच आपको बता दें कि हैदराबाद के कलेक्टर साहब को जब इस बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने इनके ऊपर FIR दर्ज किया, कई सारे धाराओं के तहत जो है इनके ऊपर मामला दर्ज किए गए। उसके बाद देखा गया कि माधवी लता ने फिर एक बात कही, उनका ये कहना था कि लगभग 90% से ज़्यादा बूथ पर जो मतदान केंद्र है 90% से ज़्यादा मतदान केंद्र पर वोटिंग में कहा सकता है कि एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है, इस तरह की बातें करने की कोशिश की गई। फिर उसके बाद इनका एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये देखा गया कि ये लाइव आई हुई थी और ये कह रही थी कि ये 40 साल से जो हमारे ऊपर जुल्म सितम हो रहा है उससे हमें अब हटने की कोशिश करनी है और तरह तरह की बातें कर रही थी। उसमें इन्होंने ये भी कहा कि अपने को बचाने की कोशिश करना है, कौन अपना, किसके बारे में माधवी लता बात कर रही थी ये भी सोचने की बात थी। न्याय की बात कर रही थी कि हमें न्याय चाहिए और हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन तरह की बातें होती रही। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर चुनाव होता रहा, चुनाव जारी रहा, मतदान हुआ भी और उसके बाद एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो माधवी लता के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस नारेबाजी की असल वजह ये थी कि माधवी लता ने मुस्लिम महिलाओं के बुर्का को उतरवाने की कोशिश की, उनका बुर्का उतरवाया गया, चेहरा जो है वो सामने लाया गया और ये तमाम चीज़ें लोगों को बुरी लगी और इसी वजह से मुर्दाबाद का नारा भी लगता रहा। आप इस वीडियो को देखिए फिर आगे चर्चा करते हैं। तो देखा आपने इस वीडियो को, आपको बता दें कि इस वीडियो के बाद भी कई सारी बातें सोशल मीडिया पे सामने हैं, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें जो है वो देखने को मिल रही है। अब बात करेंगे कि आज जब हैदराबाद में लोकसभा का चुनाव हुआ उसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है। देखिए माधवी लता जी की बौखलाहट ये बता रही है कि माधवी लता को इस बात का एहसास हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें हैदराबाद सीट पर चुनाव लड़वा करके उनके साथ एक बड़ा जुल्म कर दिया है। यकीन जिस तरह की
खबरें सामने आ रही है, जो ग्राउंड रिपोर्ट सामने आ रही है, जो वोटिंग के बाद जो लोगों का रुझान मिल रहा है, उससे ये बात समझ आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी भारी मतों से वहां से एक बार फिर चुनाव जीत रहे हैं। लगभग सन 1984 से लेकर के आज तक वहां पर असदुद्दीन ओवैसी का परिवार जो है, आपको बता दें कि लगातार कई सारे वर्षों से, लगभग 4 दशक से जो है वहां पर अपनी एक पकड़ बना करके रखा हुआ, और यही वजह है कि वहां पर लगातार ये लोग सांसद रहे हैं। पूर्व में जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके पिता सलाह जो थे वो वहां से सांसद थे, और उसके बाद ये खुद सांसद हैं। अब बात करेंगे कि माधवी लता जी का हुआ क्या, माधवी लता के ऊपर FIR दर्ज हो गया है, अब इस मामले में आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन खबर जहां तक आ रही है वो ये कि माधवी लता एक बार बुरी तरीके से चुनाव हार रही है इस बार, और असदुद्दीन ओवैसी अच्छे खासे वोट से चुनाव जीत रहे हैं। अगर बात करें वहाँ लोगों के समीकरण की, तो लगभग हैदराबाद सीट पे 60% से ज़्यादा, गालिबा 60% के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बाकी नॉन मुस्लिम। लेकिन ऐसा नहीं है कि असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ मुसलमानों का वोट मिलता है। अगर आप हैदराबाद जाएं या फिर हैदराबाद के कुछ वीडियोज़ को अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहाँ के नॉन मुस्लिम्स भी असदुद्दीन ओवैसी को खूब चाहते हैं, पसंद करते हैं, और उनके दिलों में असदुद्दीन ओवैसी बसे हुए हैं। यही वजह है कि कई सारे वीडियोस सामने आते हैं जिसमें देखा जाता है कि ओवैसी साहब को नॉन मुस्लिम जम करके प्यार देते हैं और उन पर कहीं ना कहीं भरोसा जताते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या इस बार असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर अच्छे खासे मतों से चुनाव जीत रहे हैं, या माधवी लता कुछ उनको टक्कर देने वाली आपको समझ आती है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।